रांची के बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में औषधीय गुणों से भरपूर गिलोय की प्रोसेसिंग और इस पर रिसर्च के लिए देश का पहला सेंटर स्थापित किया गया है। सोमवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया, साथ ही इसका निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री बादल, कांके विधायक समरी लाल मौजूद रहे। इस दौरान सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में इसका कमर्शियल इस्तेमाल हो सके ताकि किसानों को भी लाभ मिले। प्रोजेक्ट इज द यूनिक प्रोजेक्ट, इट इज मेकिंग द टेबलेट्स एंड कैप्सूल्स फॉर एंटी कैंसर मेडिसिन। This type of facility is not there anywhere in our country. This is the first of its kind and it has come to our Jharkhand Birsa Munda Agricultural University. This is a great achievement by us. We all are very happy about it. Soon I hope they are going for commercial production also. This herbal medicines are going to dominate in the future. In that, Jharkhand farmers are going to play an important role. If they success in the years to come, then the revenue of the farmers of Jharkhand will multiply like anything. आपको बता दें कि इसकी स्थापना केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना के तहत झारखंड सरकार के कृषि निदेशालय के सहयोग से की गई है। कोविड-19 के संक्रमण के दौरान गिलोय के पौधे को इम्यूनिटी बूस्टर के साथ साथ इलाज में प्रभावकारी माना गया। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की चर्चा पूरे देश में हुई थी। रिसर्च से यह प्रमाणित हो चुका है कि यह डेंगू, स्वाइन फ्लू और मलेरिया जैसी जानलेवा बुखार के लक्षणों को कम करता है। आयुर्वेद और हर्बल में इसका उपयोग लंबे समय से होता रहा है। रांची में स्थापित किए गए इस सेंटर से राज्य के 16 जिलों के किसानों को भी औषधीय पौधे की खेती से जोड़ा जाएगा। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।